अजय माकन की, जिन्हें राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। अभी तक अविनाश पांडे इस पद पर थी, लेकिन अब उन्हें पद से हटाकर अजय माकन को प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। आखिर कौन है अजय माकन, देखिए ये खास रिपोर्ट। अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। माकन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो दो बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, वहीं तीन बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। माकन 39 साल की उम्र में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने, 1985 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने। अजय माकन कांग्रेस से सबसे कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बनने वाले नेता भी हैं। वे 2007 में युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री बने, 2009 से 2011 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई, 2011-12 में खेल युवा मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, तो 2012-13 में भी केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री रहे। इसके बाद साल 2015 तक माकन ने कांग्रेस के महासचिव के तौर पर काम किया। अजय माकन के निजी जीवन की बात करें तो अजय माकन का जन्म 12 जनवरी 1964 को दिल्ली में हुआ। उनकी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट जेवियर्स स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक किया। यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। अजय माकन की राधिका माकन से शादी हुई है और दोनों के एक बेटा और दो बेटियां हैं। बहरहाल अब अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके सामने कांग्रेस संगठन और सत्ता में तालमेल बिठाने की बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि माकन इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।